हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चौपाल चलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने मंगलवार शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि देश की जनता पर मोदी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का बम फेंका है। कांग्रेस महंगाई के बम को डिफ्यूज करेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्रचार से देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र करना उचित नहीं समझा। अलका लांबा ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता को महंगाई व बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतरेगी। कल से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन और 28 अगस्त को हल्ला बोल का नारा देते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां देश भर की कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI कार्यकर्ता केंद्र की तानाशाह सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के बम से राहत दिलाने का काम करेगी। अलका लांबा ने कहा कि मोदी सरकार ने 5 सालों में ही पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया और आम जनता पर आए दिन महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। खाने पीने की वस्तुओं पर भी GST लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।